आपकी नजरों में तुम शायद ना कभी कुछ था और ना ही बन सकूंगा। लेकिन एक अच्छा शौहर और एक अच्छा बाप जरूर बनके दिखाऊंगा। मना किया था जी आने का, कैसे कदम रखा मेरे घर में? चाचा भाभी पहली दफा घर आई हैं। तुझे कहा था ना शक्ल मत दिखा ना, चुमनी उधेड़ दूंगा तुम दोनों की। ठीक कह रहा है वो, पहली बार बहू घर आई है, तहजीब 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 करता रहा, तेरी माशूका थी वो, अब याद नहीं रही तहजीब? दफना दी तुमने तहजीब, मैं भी लिहाज नहीं करूंगा अब। अब्बा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। तो लड़की भगा के ले आया तू? हैं? एक सेकंड को सोचा मुझ पे तेरी माँ पे बहन पे क्या गुजरेगी? हाँ? और तुमने अपने माँ बाप के बारे में सोचा? जिस लड़की को अपने माँ बाप की इज्जत की फिक्र ना हो, तो सारी जिंदगी की परवेश से अपना मुंह मोड़ ले, वो मेरे घर की इज्जत के खाक करेगी। लाया कैसे इस घर में इसको? मैंने बुलाया था उसे। तो आपको कबूल होगी अपने बेटों के लिए काली पीली नीली लड़कियां? मुझे नहीं, मेरे मामले में ना बोले। जा बेटा खेल ले गुड्डे गुड़िया का खेल, जो अपने माँ बाप के नहीं हो सके वो किसी और के क्या होंगे? तेरे पास रहने को घर है? तो कोई काम धंधा कोई नौकरी वोकरी है? क्या खिलाएगा इसे, क्या बनाएगा? अपना ख्याल तो रख नहीं सकते, एक और को उठा के ले आए? अरे दर दर की ठोकरे खिलवाएगा तब चैन मिलेगा तुझे, तब सुकून मिलेगा। अरे रहने दे ताया, मेरे अपने बच्चों को तकलीफ में देख के सुकून मिलता है? इस घर के दरवाजे मेरे लिए पहले कहाँ खुले थे? अब तो आपको बहाना मिल गया ना मुझे इस घर से निकालने का। चुप कर जा फरहाद। अरे क्यों चुप कर जाऊं? मुझे जो कहना है कहने, मुझे तो सुनने की आदत है, बचपन से सुनता आया हूं, लेकिन इसके बारे में एक और लफ्ज नहीं सुनूंगा अब मैं। तो निकल जा से, चल। आपकी नजरों में तुम शायद ना कभी कुछ था और ना ही बन सकूंगा, लेकिन एक अच्छा शौहर और एक अच्छा बाप जरूर बनके दिखाऊंगा।